Here is the dream match card of WrestleMania 41. तो जो जो मैच कार्ड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये मैच कार्ड भाई ऑफिशियल हो चुके हैं WrestleMania 41 के लिए और ये मैच हमको WrestleMania 41 में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई जल्दी से जानते हैं कि वो कौन कौन से मैचेज है जो कि WrestleMania 41 के अंदर होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर आप लोग भाई एक सच्चे WWE के फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना तो भाई जा सकते हो वीडियो को छोड़ के। तो फर्स्ट मैच जो कि WWE ने अभी से कंफर्म कर दिया और ये कंफर्म है ही एक तरह से, जो कि है रोमन रिंग्स और हमारे फाइनल बॉस रॉक का मैच। अब देखो रोमन वर्सेस रॉक ये तो हर हाल में WWE करवा के ही रहेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो WWE फैंस है वो पिछले 10 सालों से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। तो रोमन वर्सेस रॉक ये एक बिग मनी मैच होने वाला है WWE का और अगले साल हमें ये देखने को मिलेगा फाइनली। पिछले 2 सालों से WrestleMania के अंदर ये मैच नहीं हो पाया, लेकिन इस बार तो ये होकर ही रहेगा। वैसे आप बताना भाई कमेंट करके क्या लगता है आपको इस मैच के अंदर विनर कौन होने वाला है, रोमन रिंग्स या फिर रॉक, कौन इस मैच को जीतने वाला है, आपको क्या लगता है भाई बताना जरूर से कमेंट में। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है CM Punk और सेट फ्रिकेंड रॉलिंस का। ये मैच भी भाई अभी से आप लोग कन्फर्म मानना चालू कर दो, क्योंकि जब CM Punk WWE के अंदर वापस आए थे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तभी से WWE के ये प्लान थे कि वो WrestleMania 40 के अंदर ही CM Punk और सेट रॉलिंस का मैच करवा दे, लेकिन किसी भी रीजन से इनका मैच हो नहीं सका, क्योंकि बीच में WWE ने ड्रो मैकइंटायर को इन्वॉल्व कर दिया। तो अगर ये मैच पिछले साल नहीं हो सका तो इस साल WrestleMania 41 के अंदर ये मैच फाइनली होके रहेगा। और जैसे कि हमको पता है सेट रॉलिंस काफी ज्यादा हेट करते हैं CM Punk को, तो मैच तो भाई कंफर्म हो ही गया है, अगले साल WrestleMania 41 के अंदर हमको ये वाला मैच देखने को मिलने वाला है। और बताना भाई आप लोग कमेंट में कि इस मैच के अंदर कौन जीत सकता है, CM Punk या फिर सेट फ्रिकेंड रॉलिंस। और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड मैच के बारे में, जो कि होने वाला है जॉन सीना और हमारे गुंथर का। जॉनसन हमको पता है रिटायर होने वाले हैं 2025 के अंदर और वो WrestleMania के अंदर गुंथर को फेस करने वाले हैं। गुंथर के अभी सबसे ज्यादा चांस है, लेकिन भाई यहाँ पे एक बैड न्यूज भी है जॉनसन के लिए। अभी जॉनसन को लेकर रिपोर्ट निकल के सामने है कि अगर इनका मैच होता है ना गुंथर के साथ, तो फिर जॉनसन इस मैच के अंदर हारने वाले हैं। अब पता नहीं भाई जॉनसन इस मैच के अंदर हारेंगे क्यों, क्योंकि भाई जॉनसन तो वैसे जाने वाले हैं WWE से, और अगर एक लास्ट टाइम WWE तुम जॉनसन को मैच दे रहे हो तो उसके अंदर हरवा क्यों रहे हो जॉनसन को। पता नहीं भाई इसके पीछे का ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद उस टाइम पे गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो और WWE ना चाहती हो कि गुंथर से जॉन सीना को हरवाना, तो इस मैच के अंदर जॉन सीना को हारना पड़ सकता है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो जॉन सीना को जीतना चाहिए और जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए। अब आप बताना भाई कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि इस मैच के अंदर कौन जीत सकता है, जॉन सीना या फिर गुंथर, आप किसके साइड में हो, आप किसको सपोर्ट करते हो भाई कमेंट करके जरूर बताना। आज पावर पता चल जाएगी कि जॉन सीना के फैन सबसे ज्यादा है या फिर गुंथर के। और फिर हम बात करते हैं फोर्थ मैच के बारे में, तो ये मैच होने वाला है हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का। किसके साथ होने वाला है, तो वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ होने वाला है। तो भाई रैंडी ऑर्टन को फाइनली मौका मिलने वाला है एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने का, क्योंकि WrestleMania 41 के अंदर रैंडी ऑर्टन फेस करने वाले हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को। अभी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो वो रैंडी ऑर्टन को ही कर रहा है, जो कि कोडी रोड्स को फेस कर सकते हैं WrestleMania के अंदर। सबसे ज्यादा चांसेस अभी रैंडी ऑर्टन के हैं और शायद से भाई रैंडी ऑर्टन डिथ्रोन भी कर सकते हैं कोडी रोड्स को। और हाँ भाई मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि क्या WrestleMania 41 के अंदर रैंडी ऑर्टन फाइनली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं, क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। अब फिफ्थ मैच को देखते हैं भाई, जो कि बताया जा रहा है कि सोलो सिको और जैकब फाटुका होगा। अब देखो भाई अगर मैं सच सच बताऊं तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट करके मत चलना कि इन दोनों का हमें कोई मैच भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अभी टाइम ही कहाँ हुआ है जैकब फाटुका को बिट्रे करने के लिए सोलो सिको को। तो ये मैच तो देखो वैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये मैच होने तो बिल्कुल भी नहीं वाला, क्योंकि भाई मैं आपको गलत बात बताता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही बात बताता हूँ आपको वीडियो में। उसके बाद अगर हम लोग सिक्स्थ मैच देखें तो ये होने वाला है उसोस का और टोंगा ब्रदर्स का। अब हाँ भाई इस वाले मैच के सबसे ज्यादा चांसेस है होने के, क्योंकि उसोस रहने वाले हैं ओजी ब्लड लाइन की तरफ से और टामा टोंगा और टोंगा लोअर रहेंगे सोलो सिको की ब्लड लाइन से, तो इनका मैच हमें WrestleMania 41 के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी भाई ये कुछ मैच कार्ड थे जो की अभी से कन्फर्म हो चुके हैं WrestleMania 41 के लिए। और हाँ भाई ये कम्प्लीट मैच कार्ड नहीं है, WWE और भी मैचेज अनाउंस कर सकते हैं WrestleMania 41 के लिए, लेकिन अभी तक मुझे जो भी मैचेज लगे ना कि ये मैचेज होने वाले हैं, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। तो बस भाई हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।